अरे यार, ये ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ, ट्रैफिक कैसे लेके आऊँ। अरे क्या हुआ भाई, कैसे परेशान लग रहा है? अरे यार क्या बताऊँ, नया ब्लॉग बनाया है, कितने भी अच्छा आर्टिकल लिख लूँ, कितनी भी बढ़िया वेबसाइट बना लूँ, ट्रैफिक ही नहीं आता यार वेबसाइट पे। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे ट्रैफिक लेके आऊँ मैं। अरे बस इतनी सी बात, आज मैं बताता हूँ। हेलो हसलर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में आपने अगर नया ब्लॉग सेटअप किया है तो ट्रैफिक लाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है। चाहे आप कितने भी अच्छे आर्टिकल्स लिख लें, कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लें, बट इट इज टफ। तो कैसे ट्रैफिक लेके आए, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप इनिशियल ट्रैफिक ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको जानना है कि कैसे एक अच्छा आर्टिकल लिखें, इसके लिए आप ये ब्लॉग राइटिंग टिप्स वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। टिप नंबर वन, अपने ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें सोशल मीडिया चैनल्स पे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने कलीग्स में, और उनसे बोलें, उनसे भी बोलें कि वो भी अपने नेटवर्क में प्रमोट करें। जितना ज़्यादा आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए इनिशियल में ट्रैफिक लाने के लिए। तो प्रमोट करने से ना घबराएं, हो सकता है कि आपका कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा ना हो स्टार्टिंग में, आपको थोड़ी सी शर्म आए शेयर करने में, लेकिन शर्माने का नहीं, शेयर करने का। टिप नंबर टू, हेल्प करें। आप सोचेंगे हेल्प तो कैसी हेल्प, और हेल्प करने से कैसे ट्रैफिक बढ़ेगा? देखिए, आपका ब्लॉग सेटअप करने का क्या गोल था? लोगों की हेल्प करना, राइट? तो आपको यही करना है, नॉट ओनली वेबसाइट ओनली बट ऑल्सो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि कोरा हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे जाइए, देखिए लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको आंसर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। जितनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी ब्लॉग वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाने में। टिप नंबर थ्री, ऑफर समथिंग। जी हाँ, सिर्फ आर्टिकल लिखना इज नॉट इनफ, आर्टिकल ऑफर करना इज नॉट इनफ, यू हैव टू क्रिएट मोर वैल्यूज। अब वो वैल्यूज़ किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई ई बुक ऑफर कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट, कोई कोर्स, कुछ ना कुछ आपको और ऑफर करना है अपनी वेबसाइट पे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपकी वेबसाइट के लिए और आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। इसलिए जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल ऑफर करने की कोशिश करें। एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ से आप फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। टिप नंबर फोर, डू SEO। जी हाँ, आपको SEO करना पड़ेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक सीख कर रहे हैं। तो SEO आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक स्ट्रेटजी का पार्ट जरूर होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को प्रॉपर SEO के लिए ऑप्टिमाइज करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज, जो भी आप आर्टिकल लिखें उसको पूरा कीवर्ड ऑप्टिमाइज रखें, ताकि उस कीवर्ड के लिए वो रैंक करे गूगल में, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में इंडेक्स कराएं, ये सारी चीज़ें करें ताकि आपकी वेबसाइट गूगल सर्चेस में आ सके। अपनी वेबसाइट को कैसे SEO के लिए प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्यूचर में। अरे 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 चलो गया, सेफ पेपर, और उसने जो भी बोला है जरूर करें। टिप नंबर फाइव, नेटवर्किंग। जी हाँ, आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी में। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानिए, उनसे रिलेशन बिल्ड कीजिए, उनकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट कीजिए, कोलैब कीजिए। डजंट मैटर कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आप यूट्यूब पे कोलैब करें, चाहे वो आप पॉडकास्ट पे कोलैब करें, कहीं भी कोलैब करें, पर्सनल जाके मीट करें, लेकिन उनके साथ कोलैब करें, उनके कम्युनिटी के साथ इंगेज करें। इससे क्या होगा कि आप उनकी जो ऑडियंस है उसको भी अट्रैक्ट करेंगे, नई ऑडियंस आपके पास आएगी, नए लोग आपको जानेंगे, इसलिए नेटवर्किंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, टिप नंबर सिक्स। जी हाँ, ये सारे जो भी टिप्स मैंने बताए हैं ये सारे फ्री रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इसमें आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है इसमें आपको थोड़ा सा पैसा स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, पेड एडवर्टीजमेंट। देखिए, पेड एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है अगर आप इनिशियल ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करने से ना घबराएं, जरूर थोड़ा बहुत स्पेंड करें गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे। इससे क्या होगा कि आपकी नई नवेली वेबसाइट लोग जानेंगे और आपको एक इनिशियल ट्रैफिक बूस्ट मिलेगा। आई होप आपके लिए सारे टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो जाने से पहले जरूर देखते हैं।